से आरंभ हो और योग ही परिणाम हो, योग से आरंभ हो और योग ही परिणाम हो, अथ योग अनुशासन, अथ योग अनुशासन, मान लो अभी कोई क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, लेकिन संस्कार पड़े हैं ना, राग और द्वेष के संस्कार, अविद्या के संस्कार, यानी वही कलेश जो पड़े हैं, उसके कारण तुम्हारे को भूतकाल के विचार कर करके तुम इतने टैलेंटेड हो के दुख को मैन्युफैक्चर करते रहते हो, इज़न्ट इट? कुछ भी नहीं है अभी तुम्हारे वर्तमान में, समझो तुम एसी रूम में बेस्ट टेम्परेचर में बेस्ट सोफे पे बैठे हो, बट सी योर टैलेंट, तुम भविष्य की चिंता करके अभी दुखी हो सकते हो, तो चिंता का संस्कार तुम्हारे अंदर पड़ा है ना, तुम भूतकाल का कोई स्मरण लाकर तुम बस उस कंफर्टेबल सोफे पर भी तुम दुखी हो सकते हो कि नहीं हो सकते? यस, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, तुम वर्तमान में सुखी होना ही नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम्हारे कर्माशय में ये पांच कचरे पड़े हुए हैं, कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो पांच कचरे हैं, इन पांचों के साथ तीन गुण मिले रहते हैं, कौन से? यहां पे लिख दिया गुण वृत्ति विरोधाच्च, गुण वृत्तियों का विरोध इनके साथ हमेशा मिला रहता है। ये गुण कौन से हैं भगवद गीता के अनुसार? सत्व, रजस, तमस। सत्व वालों के लिए हार्मनी में रहना, सेटिस्फैक्शन में रहना नेचुरल होता है, वैसे तमस वालों के लिए हर चीज के साथ ना अटैच हो जाते हैं, थोड़े दिन यहाँ आएंगे यहाँ अटैच हो जाएंगे मेरे साथ, थोड़े दिन बाहर रहेंगे किसी वो भिखारी जो होते हैं, भिखारी मतलब सांसारी मोही लोग जो होते हैं उनके साथ रहेंगे तो वहाँ अटैच हो जाएंगे। तामसिक लोगों के ये गुण होते हैं मेटीरियलिज्म, उन्हें भौतिकता बहुत चाहिए। सत्व, रजस, तमस हमारे चक्र सिस्टम में किस तरह से वर्क करते हैं, जरा उसका चार्ट दिखाओगे पार्थ? अगर आप सत्व के साथ भी हैं, यानी इस स्तर पर वेव जहां से उठ रहा है, आप उस स्तर पर भी अगर रह पाते हैं तो आपके लाइफ में हार्मनी होगी, सबके साथ बना कर रहोगे। घर में दो ही लोग हैं और दो में भी नहीं बनती, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू पीपल सर्वाइव। हमारे घर में 12 लोग हैं और किसी में भी मन मुटाव नहीं होता, एक डजन लोग और कभी मन मुटाव नाम की कोई चीज नहीं हुई। वी लिव इन अ स्टेट ऑफ सत्व, विजडम होता है, बिल्कुल अच्छे से पता होता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, विवेक एकदम क्लियर है, कामनेस होती है, सेटिस्फैक्शन होती है, प्योरिटी होती है। चक्र सिस्टम देख रहे हो ना, जहां तमस है देखो नीचे के दो चक्र इन्वॉल्व है, दिख रहा है कौन से है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान। तमस वाले लोग होते हैं उनमें अटैचमेंट्स, टू मच अटैचमेंट, व्यक्तियों के साथ अटैचमेंट, कंसेप्ट्स के साथ अटैचमेंट, हर जगह उनको कहीं ना अटैच होना उनके लिए स्वाभाविक होता है। जैसे सत्व वालों के लिए हार्मनी में रहना, सेटिस्फैक्शन में रहना नेचुरल होता है, वैसे तमस वालों के लिए हर चीज के साथ ना अटैच हो जाते हैं, थोड़े दिन यहाँ आएंगे यहाँ अटैच हो जाएंगे मेरे साथ, थोड़े दिन बाहर रहेंगे किसी वो भिखारी जो होते हैं, भिखारी मतलब सांसारी मोही लोग जो होते हैं उनके साथ रहेंगे तो वहाँ अटैच हो जाएंगे। तामसिक लोगों के ये गुण होते हैं मेटीरियलिज्म, उन्हें भौतिकता बहुत चाहिए, हर जगह उनको भौतिक सुख सुविधा पहले चाहिए। जब ये कंसेप्ट तुम्हारे भीतर आ जाते हैं ना, इट मीन्स योर तमस इज एक्टिवेटेड, तुम्हारी एनर्जी सारी नीचे की तरफ है। रिजिडिटी, अपने कंसेप्ट में बहुत रिजिड होते हैं, तुम्हें लगता है वो लोग कभी सत्संग में कुछ कर पाएंगे, सुन लेंगे वो बात अलग है, लेकिन सत्संग से अपने अंदर रूपांतरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम रिजिड कितने हो, और ऑब्वियसली जो अटैच्ड होते हैं वो रिजिड भी ज्यादा ही होते हैं। डिस्ट्रक्शन, उनको तोड़ फोड़ में ज्यादा मजा आता है, सत्व वालों को किस में मजा आता है? हार्मनी।
और तमस वालों को तोड़ फोड़ना, रिश्ता नहीं बन रहा तोड़ दो. अरे तोड़ दो हैज नेवर बीन एन ऑप्शन इन अवर लाइव्स. झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन तोड़ देना इज नेवर एन ऑप्शन. किस तरह से जोड़ लेना ये हमेशा हमारे माइंड में चलता है, बिकॉज वी आर ऑन द रेंज ऑफ दैट आज्ञा चक्र एंड सहस्रार. लेकिन जो नीचे की रेंज में जी रहा है, रिजिडिटी, डिस्ट्रक्शंस, डेस्पोंडेंसी यानी विषाद, चिंता, विषाद, हमेशा तुम उसका चेहरा ना फ्लैट राउंड राउंड नहीं, राउंड चेहरा तो किसका होता है, प्रसन्न जो होता है. देखो ना, जो प्रसन्न होते हैं सत्व वाले, उनका चेहरा ऐसा ही राउंड होता है. लेकिन ओवर लॉन्ग सैड फेसेस यानी यू आर इन विषाद, तुम्हें एक कोई ना कोई एक बात का विषाद सतत अंदर चल रहा है. अर्जुन का जैसा हुआ था ना हाल, तुम्हारा सतत है. यहाँ रजस है, चेंजेस चाहिए इनको, ये कैसे लोग हैं, चेंज. लेकिन तुरंत ही माइंड ऑप्शंस ढूंढना चाहता है, वॉन्ट अ चेंज. तुम देखना, तुम 2 घंटे भी सत्संग सुनोगे ना, उसके बाद तुम्हें चेंज चाहिए, चलो हम थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेते हैं, चल थोड़ी देर मार्केट चले जाते हैं, चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेते हैं. सत्संग के तुरंत बाद इंस्टाग्राम, मतलब सत्संग भी एक मूड है और इंस्टाग्राम भी एक मूड है. सत्संग के बाद तो तुम्हें बैठकर चिंतन करने का मन करना चाहिए, विचार करने का, नोट्स बनाने का. प्रभु कैसे ये सोच सकते हैं, ये सब तुम्हें आश्चर्य आश्चर्य और आश्चर्य होने चाहिए. लेकिन चेंज बहुत चाहिए रजस वाले को. तुम देखना, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस चाहिए, तुम राजसे को. सेल्फिशनेस, इतनी ज़्यादा सेल्फिश एटीट्यूड है कि जिंदगी में कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं ना, तो भी अपनी सेल्फिश वृत्तियों को पोषण करने, और कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो दे आर जस्ट सेल्फ सेंटर्ड. मैं और मेरा परिवार, बस यही उनकी दुनिया है. जो सात्विक लोग होते हैं ना, उनका मैं और मेरे परिवार में इतनी हार्मनी होती है कि देयरफॉर उस हार्मनी के रिपल्स इतनी दूर तक पहुंचती है कि पूरा जगत उनके परिवार जैसा बनने लग जाता है. वो उसमें आता है ना मंगल मैत्री में, अब तक निज परिवार ही बना रहा संसार, अब सारा संसार ही बन जाए परिवार. ये सत्व की भावना है, ये सत्व की भावना. ईगो, टू मच ईगो, टू मेनी एक्टिविटीज द नीड. पता नहीं मेरे को तो दिन में इतनी एक्टिविटीज ही नहीं चाहिए. मुझे लगता है क्या है, मैं डम्ब हूं क्या? क्या लगता है प्रीति प्रभु, मैं डम्ब हूं? नहीं ना, तो मुझे लगता है मुझे तो इतनी एक्टिविटीज चाहिए ही नहीं खुद को एंटरटेन करने के लिए. आई एम जस्ट हैप्पी सिटिंग ऑन माई चेयर, स्टेइंग इन माई रूम. कुछ किताबें किताबें नहीं है तो कोई भक्ति चल रही है, दैट्स इट बस. और भक्ति भी नहीं चल रही तो मैं अपनी कंपनी को इतना इंजॉय करती हूँ कि मैं चुपचाप अकेले भी घंटों बैठ सकती हूँ. तुम यहां मुझे बोलते हुए देख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन कभी घर पर आओ तो आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन. हंस रहे हो, सच में मैं ऐसी हूं. आई एम रियली अ वेरी क्वाइट पर्सन. आई डोंट नीड मच थिंग्स टू एंटरटेन मी. डू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और तुम्हें दिन में कितने साधन चाहिए खुद को एंटरटेन करने के लिए, सुबह उठते हो ना वहां से लेके रात तक. अरे एक टूथपेस्ट भी है ना, तुम्हें हर बार नई नई चाहिए होगी. ये फ्लेवर का हो गया, अब दूसरा फ्लेवर लाओ, अब तीसरा फ्लेवर लाओ, अब चौथा फ्लेवर लाओ. अलग 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 तुम हर चीज में चेंज बहुत चाहते हो. वो क्या है, रजस. तुम्हें एक्टिविटीज बहुत चाहिए, वो क्या है, रजस. तुम्हारे मूड फ्लक्चुएशंस बहुत है, ऑब्वियसली ये सब क्या है, रजस. चेक इट आउट, तुम कहां खड़े, कहां हो, कहां हो? तमस रजस में होगे कहीं ना कहीं, है कि नहीं? अगर ऐसा कोई जोन हो तो तुम उसमें होंगे. होता क्या है, सारे चक्र बोलते जाओ फटाफट, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध. वृत्ति क्या है, मैंने फर्स्ट सत्संग में शायद कहीं बताया था, वृत्ति इज इक्वल टू वर्लपूल. ओके, और कोई वर्ड याद रहे ना रहे ये याद रखना, वृत्ति यानी वर्लपूल. वो वृत्ति हमारी कलिष्ठ भी हो सकती है, अकलिष्ठ भी हो सकती है, सारी बातें हुई है. इस मूलाधार चक्र के आसपास सत्व, रजस और तमस की वेव चल रही है, वर्लपूल चल रहा है. ये बात समझ में आ रही है. और ये सत्व, रजस, तमस क्या है, ईश्वर की ही मैनिफेस्टेशन है. ईश्वर हैज बीन एक्सपैंडिंग लाइक दैट. अब इस पोजिशन पर सत्व क्या है, सत्व इज इक्वल टू फियर ऑफ गॉड.
ऑल्दो कहते हैं गॉड से फियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ गलत करने से फियर फील हो रहा है, इट इज गुड. यहाँ पर सत्व ये है, और तुम जितना सत्व में होगे उतने तुम हारमनी में आ जाओगे, विजडम में आ जाओगे. चार्ट था ना पहले, हारमनी में, विजडम में, शांति में, प्योरिटी में, सैटिस्फैक्शन में तुम अपने आप आते जाओगे. यहां पर रजस और तमस ये दोनों भी है. फियर ऑफ समथिंग बैड, फियर ऑफ समथिंग बैड अगर है कि मेरे से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे प्रभु कुछ पूछे कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, तो कहीं मैं झूठ ना बोल दूं. ऐसा होता है ना, कई बार मैं 1-to-1 बात में आ जाती हूँ और फट से तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, झूठ बोल दो, निकल लो वहां से, सच मत बताओ. अगर तुम्हें कुछ सही करने में फियर लग रहा है तो तुम्हारी ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी, समझ रहे हो, वो वेव ऊपर सही करने में डर लग रहा है, क्योंकि इसका इसकी क्वालिटी ही है फियर, इसलिए फियर के आसपास ही हमें बात करनी पड़ेगी. तुम्हें सही करने में भय लग रहा है कि अगर प्रभु को मैंने सच बता दिया तो प्रभु मुझे डांटेंगे भाई, लेकिन प्रभु डांटे, मारे या उठा के फेंक दे बाहर, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है, सच बोलना. लेकिन तुम्हें सच बोलने में भय लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारी एनर्जीज नीचे की तरफ जा रही है. समझ में आ रही है, तुम्हें फियर लग रहा है कि कहीं मुझसे गलत हो ना जाए, कहीं प्रभु पूछे और मैं गलत बोल ना दूं, इसका डर लग रहा है, तो तुम्हारी एनर्जीज कहां जाएगी, ऊपर की तरफ. ऊपर वाली वेव क्या है, रजस एंड सत्व, नीचे वाली वेव क्या है, रजस एंड तमस. लेकिन हमने कुछ यौगिक पद्धति करके यहां पर एक नॉट बांध दिया था लास्ट टाइम, K1 K2 K3, सो वी एंटर इनटू यौगिक प्रैक्टिस. क्वांटम फील्ड का काम क्या बताया था, सेट योर गोल, क्लियर योर गोल, विजुअलाइज योर गोल, रेज योर वाइब्रेशन, हैव फेथ इन गॉड. तो बस अगर तुम्हें फियर है यहां पर किसी भी चीज का, अच्छे काम का भी फियर होता है लोगों को, अरे लोग क्या कहेंगे अगर हम हर संडे सत्संग में गए, अरे हम 8-8 दिन तक पर्यूषण में, हम कहीं और नहीं गए, जैन स्थानक में नहीं जाके प्रभु के पास आए, तो लोग क्या कहेंगे, ये अच्छे काम का फियर है कि नहीं है. तो फियर जो है, कुछ अच्छा करने में फियर है तो तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है. अच्छा, और ढंग से बोलती हूं मैं, सही करने में मैं डरू नहीं, अगर तुम्हारी ये भावना है तो तुम्हारी एनर्जी कहां जाएगी, ऊपर. गलत करने में मैं डरू नहीं तो तुम्हारी भावना, हाँ ऊपर क्यों, काकी ऊपर क्यों, गलत करने में डरू नहीं, मैं दारू पीने जा रही हूं, मैं गलत काम करने जा रही हूं, मैं किसी पर गुस्सा करने जा रही हूं और मैं डरू भी नहीं, एनर्जी कहां जाएगी. इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इट इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. फियर तो रहेगा, ये इसका इंस्टिंक्ट है, यहां का संस्कार ही है फियर, इसलिए यहां पर फियर तो रहेगा, लेकिन तुम फियर को किस तरह से ऊपर या नीचे ले जा सकते हो, डू यू अंडरस्टैंड, कितना इसके लिए सत्संग चाहिए तुम्हें, तुम्हें पता चले कि राइट क्या है, किससे डरना है, रॉन्ग क्या है, किससे डरना है. एंड इन बोथ द केसेस, वेदर यू नो और यू डोंट नो, जाने अनजाने, तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, तुम्हारी एनर्जी या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है. नीचे जा रही है, उस एनर्जी का क्या हो रहा है, फिनिश्ड. तुम्हें सक कर रही है, तुम्हें तमस में डाल रही है, तमस के गुण थे ना वहां, तुम्हें हमेशा विषाद में रखेगी, तुम्हें हमेशा दुख में रखेगी, वो तमस में जा रही है. ऊपर जा रही है वो कैसी है, एटलीस्ट रजस. अब ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आ जाओ 2-3 चक्र पर देख लेते हैं. अनाहत चक्र पर भी ये वर्लपूल है. अनाहत चक्र का बेसिक क्वालिटी क्या है, डिजायर, कामना. ओके, डिजायर फॉर गॉड है, गुडनेस है, हार्मनी में रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, समझो इसको. डिजायर फॉर गॉड एंड डिजायर फॉर गुडनेस है तो ये कहां रहेगी, हार्मनी में. यू आर एट हार्मनी विद योरसेल्फ. इसके अंदर, इसी डिजायर के अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस आ गई, तुम्हारी ऊर्जा कहां जाएगी,
नीचे, और इसी डिजायर के अंदर सेल्फलेसनेस आ गई ऊपर। समझ में आ रहा है? गॉड की डिजायर है लेकिन उसमें भी सेल्फिशनेस आ सकती है। गुडनेस, तुम्हें तपस्या करनी है, गुडनेस का भाव है कि नहीं है? गुडनेस है लेकिन अभी तुम्हारी तपस्या का भाव, लेकिन उस तपस्या से ना मेरे कर्म थोड़े कम हो जाए तो अभी क्या हो गया तपस्या के साथ? सेल्फिश डिजायर। तुम्हारे जीवन का मकसद जीवन से बड़ा होना चाहिए। अभी अभी मैंने किसी को बोलते सुना, खुद को ही बोलते सुन रही थी, द पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ। तब तक जीवन सफल नहीं होता। डिजायर फॉर गॉड गुडनेस तुम्हें सत्व में रखेंगे, यानी तुम्हें तपस्या का मन किया, तुम्हें अच्छा करने का मन किया, सेवा करने का मन किया, ध्यान करने का मन किया, गुडनेस सत्व में आए, तुम हार्मनी में आए, तुम्हें एक विजडम आई। विजडम आएगी ना, कुछ और करने के बदले तुम तप और ध्यान कर रहे हो तो विजडम तो आएगी, लेकिन अब इसमें तुम्हारी सेल्फिशनेस भी साथ में चल रही है। मैं मुझे मुझे, बस हर कोई मेरा ध्यान रखे, हर कोई मेरी साथा पूछे, कोई मेरी मेरे तप के अंदर विघ्न ना डाले। ये तुम्हारी तप किसके आसपास घूम रहा है? तुम्हारे अपने सेल्फ के आसपास ही घूम रहा है। तुम्हारी एनर्जीज, ऑल दो यू आर डूइंग द तप, तुम्हारी एनर्जीज तो डाउन ही जाएगी, लेकिन इसमें सेल्फलेसनेस है। तुम सेवा करते हो, कोई मैं का भाव ही नहीं है। तुम तप कर रहे हो तो यू आर जस्ट एंजॉइंग द तप, यू आर एंजॉइंग द ऑरा। तुम देख पा रहे हो कि भूख भी लग रही है, बट स्टिल आई एम ऑन अ डिफरेंट लेवल। जब तुम इस ढंग से देख पाते हो, समझ पाते हो, अनुभव कर पाते हो, गुरु आदि का अनुग्रह फील कर पाते हो, कि अरे क्या कृपा है कि 8-8 दिन भूखे रहने पर भी कोई भूखी नहीं लग रही, ये तुम फील करते हो, तुम्हारी एनर्जीज कहाँ जाएगी? ऊपर। तुम अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं कर रहे, यू आर एंजॉइंग द जर्नी, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस एंड डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनी। ये भी होना चाहिए। कहीं लिखा कि दुख देने वाला भोजन है, दुख देने वाला ये व्यक्ति है? नहीं, ये सत्व रजस और तमस से दुख दे रहे हैं। और जब हमारे सत्व रजस तमस की हमें वृत्तियां बिल्कुल पकड़ में आ रही होंगी तो क्या होगा? तुम तप कर रहे हो या नहीं कर रहे, तुम स्वाध्याय कर रहे हो कि नहीं कर रहे, यू आर एक्सपीरियंसिंग द स्टेट ऑफ डिविनिटी, हार्मनी, दिव्यता तुम्हें अपने अंदर अनुभव में आएगी। और ऊपर एक चक्र ले लेते हैं, आज्ञा चक्र ले लो। इसका काम क्या है? नोइंग प्रिंसिपल है, मतलब यहां पर यू नो योर कॉन्शियसनेस, ठीक है? वेन यू नो, मतलब बौद्धिक स्तर पर भी तुम्हें पता है कि मैं पानी हूं, मैं ना तो वो ऊपर जाती तरंग हूं ना नीचे जाती तरंग हूं, ये तुम्हें बौद्धिक स्तर पर भी पता है, तुम सत्व में हो। अब यहां से तुम्हें ईश्वरीय आनंद का कोई एहसास होने लग जाए तो तुम्हारी ऊर्जा कहां जाएगी? ऊपर, वेरी गुड। यहां से तुम्हें संसार के प्रति का कोई आकर्षण हो जाए, नीचे। देखो यहां आकर भी तुम्हारी ऊर्जा नीचे जाती है, थोड़ी देर ऊपर आई लेकिन यहां आने के बाद भी देयर इज वैकेंसी, क्योंकि SRT, ये सत्व रजस तमस हर जगह पर है। सत्व रजस और तमस हर जगह, कहां मतलब यहां भी है, ये सत्व रजस तमस सहस्त्रार चक्र पर भी है, हर जगह है। तो यहां पर आने के बाद ऑल्दो द चांसेस धीरे धीरे बहुत कम होते जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो यहां आ जाती है तो मैक्सिमम चांस उसके वो है, ही विल जंप इन डिवाइन, डिवाइन एक्सपीरियंस के अंदर, दिव्य अनुभव, आनंद, निस्वार्थता, निष्कामता, इन सब के अंदर वो उसके जीवन एक मस्ती में ही चल रहा होगा। लेकिन कहीं उसको मोह आ जाए, ऐसे लोगों को भी आता है। हमने शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञानियों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, इवन इस बार हम भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको भी सम्यक दर्शन के बाद मोह आ गया था। तो सम्यक दर्शन हुआ तो यहां पर तो आ गया जीव, लेकिन उसके बाद वापस मोह का उदय आया, धर्म के विषय में कुछ मिथ्या मान्यता हुई, वापस द एनर्जी स्टार्टेड कमिंग डाउन। ये तो अच्छा था, यहां पर केतु बंधा हुआ था इसलिए इससे नीचे नहीं जा सकती। सो हम इस साधना की प्रक्रिया के माध्यम से करते क्या है, हम क्या करते हैं? हम साधना के माध्यम से वी रेज अवर वाइब्रेशन, क्वांटम फील्ड का एक प्रिंसिपल था,
हम एक एक करके अपनी वाइब्रेशंस को रेस करते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाए हम पीछे के द्वार को बंद करते जाते हैं ताकि किसी दुर्भाग्य की घड़ी में कहीं हमारा नीचे आने का भी वृत्ति हो जाए तो एक लेवल से नीचे हम ना गिरे. दिस इज द पाथ ऑफ साधना. जितना आह्लाद हुआ तुम्हें ये पूरा समझ कर उससे भी ज़्यादा आह्लाद खुशी आनंद तुम्हें होना चाहिए अब ये सुनकर कि ये पूरी प्रक्रिया केवल और केवल कोई सद्गुरु ही करा सकता है. तुम पढ़कर नहीं कर सकते, सुनकर नहीं कर सकते, पर तुम उनके साथ प्रेम में हो तो ये घटना आपो आप तुम्हारे अंदर ट्रांसेंड होती है. सो वी गेट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज सत्व, व्हाट इज रजस, व्हाट इज तमस. ये तीनों क्या है? ईश्वर में ही उठी हुई एक तरंग है. हमें क्या करना है? स्वरूप ये पुरुष कैसा है? पुरुष कैसा है? सत चित आनंद. तुम कहोगे कौन सा वाला पूछ रहे हो प्रभु, ये बताओ. ठीक है, तो ये पुरुष है. पुरुष यानी इट इज नॉट जेंडर बेस्ड. पुरुष यानी पूरे क्षेत्र में जो व्यापक है वो पुरुष है. पूरी क्षेत्र इति पुरुष, ये पुरुष का मीनिंग होता है जो हर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है. तो अब जितना जितना हमारी चॉइसेस में सत आएंगे हमारी कंपल्सिवनेस जाएगी और कॉन्शियस चॉइसेस हमारी बनेगी. बस बहुत किसी ने मुझे भड़का दिया, मैं गुस्से हो गई. डू यू थिंक यू आर कॉन्शियस? नो, यू आर कंपल्सिव, इजंट इट? किसी ने, अरे वो वस्तु इतनी सुंदर थी ना कि वो बस खरीद ही लिया मैंने. यू आर कंपल्सिव, यू आर नॉट कॉन्शियस. तुम खरीदो या ना खरीदो मेरा उस पर कोई भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है. मेरा अधिकार किस पर है? तुम कॉन्शियसली चूज कर रहे हो या कंपल्सिवली चूज कर रहे हो, बस इतना ही. तुम उसके प्रति सजग हो या संस्कारों के धक्के में ही तुम बहे जा रहे हो. तो अगर तुम सत को चूज कर रहे हो, राइट को चूज कर रहे हो, कॉन्शियसली चूज कर रहे हो और यू आर इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, इसका मतलब ही है कि तुम इस जीवन यात्रा को खत्म करने के खत्म करते हुए बहुत ही जल्दी अपनी ईश्वर से सत्ता में खोने वाले हो. दैट्स इट, सो सिंपल. तो प्रभु क्या कह रहे हैं? दुख का कारण, दुख कहाँ कहाँ है? परिणाम में है, ताप में है, संस्कार में है और गुण वृत्ति विरोध, इसमें भी दुख है. ये गुण वृत्तियों में जो विरोध आ जाता है ना, यानी जब उनको ऊपर जाना चाहिए था उसके बदले नीचे आ रही है, तो इन सब के अंदर भी हम दुखी ही दुखी रहते हैं. क्रिया योगी का काम क्या है? क्रिया योगी का कार्य क्या है? वो दुख को यहां से हटाना शुरू करता है. ही डजंट वर्क ऑन इस परिणाम दुख, ताप दुख एंड संस्कार दुख. वो उन तीनों पर काम नहीं करता, वो वृत्तियों पर काम करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सम योगिक क्रिया, जिसे हम स्वराज क्रिया कहते हैं. उस ढंग से वो काम करता है ताकि दुखों का मूल से नाश हो. देखो, ये पूरी यात्रा अनंत सुख की प्राप्ति की है. इसका मतलब जो दुख है उनको हटाना है. कौन से दुखों को है ही मतलब हटाना है? कौन से दुखों को हटाना है? चेंज द स्कोप.